तो सुबह सुबह आया है मेरा YouTube पेमेंट। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दुकान में मैं बैठी थी, कोई दे के गए हैं पापा को देने के लिए। सो नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे एक और नए वीडियो में। तो आप लोगों को मेरा ड्रेस को देख के उनका याद आ रहा होगा, वो जो सॉल्जर लोग होते हैं उन लोगों का ड्रेस इसी टाइप का होता है। यहाँ पे टाई होता है ब्लू कलर का, उस तरह से स्वेटर होता है। एक्चुअली में ठंडी खत्म हो चुका है तो ये सब स्वेटर को धोना ही अब। तो मैं सोच रही हूँ कि दो तीन दिन और पहन लेते हैं घर पे ही, उसके बाद फिर धो धा के रखा जाएगा। और अभी मैं अपने दुकान पे कुछ काम वगैरह कर रही थी, तो चलो करते हैं और आप लोगों से बात भी करते हैं। तो एक अंकल आ गए, वो पैसा देके गए, बोले पापा है मुझे मैं काउंटर में रख के आप लोगों को दिखाने के लिए घूम रही हूँ। लेकर बताओ ऐसे कैसे चलेगा। मैं सोच रही थी ना कि दो तीन दिन का मैं ब्रेक ले लूँ एकदम यूट्यूब से, क्योंकि मेरा अभी ऐसा शेड्यूल हो गया ना एकदम, मैं इतना ज़्यादा बिजी रहने लगी हूँ। गुड़िया का एग्ज़ाम को लेकर दो टाइम पर दुकान, एकदम मेरा शरीर चूर चूर हो जाता है कि मेरे से ना वीडियो एडिट हो पाता है, मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो लेट्स सी क्या करते हैं। बट मेरा क्या है ना, वीडियो अगर नहीं बनाऊंगी तो मेरे से रहा ही नहीं जाता, वो दिन एकदम प्रोडक्टिव ही नहीं होता। खैर रुकिए एक मिनट, क्या बड़ा वाला अभी बिस्कुट चॉकलेट लिया ना, तो देखो वीडियो बना लेंगे तुम। देखो तो सरा में एग्जाम और गाना गा रही है, तो फलते हो। तो गुड़िया यहाँ जा रही है वापस अपने एग्जाम देने जा रही है आज, पता है कितना खुश थे क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम में मजा आएगा। पता है इसका जूता चप्पल कल सब खुद खुलवा दिया गया था, घड़ी वड़ी सब कुछ, बैग भी बाहर, और फोन वोन सबको लापरवाह की तरह बाहर छोड़ देते। तो आज कुछ भी लेके नहीं जा रही, बस एडमिट कार्ड फोन लेके जाओ, आंटी को घर पे रख के जाना और वापस वहीं से लेते हुए आ जाना। पीकू का प्रसाद खाने जा रही है, पीकू प्रसाद को पीकू प्रसाद गुप्ता को थोड़ा सा खाने पीने जा रही है। तो मेरा भी मूड है कि जाने का, बउआ से मिलने का, लेकिन 12 बजे जाएगी ना, तुम कितने बजे निकलेगी? अभी जा रही है, पागल वागल है क्या यार? पता है कल 1:30 बजे से एग्जाम था, लड़की 12 बजे वहाँ पहुँच गए। हमको भी सूट पे जाना था, पापा भी बोल रहे तुम रुक जाओ, तुमको रुकने में क्या जरा। पापा का क्या बताया कि हमको खुद लेट हो रहा है, मेरा क्लास भी था, हमको उधर भी जाना था, सब कुछ एक साथ मैनेज करना था। तो और आज भी लड़की 11 बजे रेडी हो गई है। खैर जाऊंगी मैं भी पिकू से मिलने के लिए, मेरी बुआ इतनी प्यारी है ना। कल देखे थे आप लोग, दो चोटी की थी और ऊपर से फ्रॉक पड़ी थी, और भी ज़्यादा क्यूटनेस इंटू 100 हो गया था यार, 100,000 करोड़ सब बोल रहे, गजब की क्यूट है यार। लेकिन पिकू आप लोगों को पिकू कैसे लगती है मुझे बताना ज़रूर। मन तो हमको अभी पिज्ज़ा खाने का भी जस्ट, तो क्या करें हम खा लिए ना। अभी हम सजाए थे दुकान में, वीडियो बनाए थे, कितना सुंदर है। तुम खराब मत करो, खराब खुरी खुरी ना हो रहा है। पनीर बनने का तैयारी, इतना सारा सब्जी के साथ मम्मी बैठी है कट करने। अभी मैं आप लोगों को जैसा बोल रही थी कि पनीर का सब्जी बन रहा है, तो पनीर का सब्जी नहीं कह सकते, इसको मिक्स सब्जी कह सकते, क्योंकि ये सब्जी ज्यादा और पनीर उत्तु सा है। उस दिन जो मैं बनाई थी ना, तो उसी से पनीर थोड़ा सा बचा हुआ था, बस वही बन रहा है। हाँ केक भी पैक हो गया जिसको मुझे लेके जाना है, मतलब क्या बताऊँ। कल मैं लेके आ जाती भागलपुर से देख के तो ज्यादा बेहतर होता, मुझे इस तरह से मंगाना नहीं चाहिए था। मेरा पूरा मूड खराब हो गया यार, मम्मी का बर्थडे खराब हो गया, क्या बोले। 10 रुपए के ब्रिटानिया बिस्किट के साथ मम्मी का बर्थडे मनाना पड़ा, तो ये जाके मैं वापस करूंगी। और देखो ना मैं बाल भी नहीं इतना झाड़ रही हूँ आज, पता है क्लास भी जाना। और मेरा ना एक ये मैं ना दुपट्टा लेके आई थी, दिखाती हूँ आप लोगों को, ये एक दुपट्टा आज से 4 दिन पहले, और मुझे अभी याद आता है जब उधर से निकला ना, तो अभी मुझे याद आता है अरे मुझे इसमें पेंटिंग भी करना है, तो इसमें करूंगी पेंटिंग। और पता चलता है ब्लैक कलर तो है नहीं, लास्ट टाइम मैं जब एक वो सूट पे पेंटिंग करी थी ना तभी मेरा ब्लैक कलर खत्म हुआ था, तो मुझे आज मार्केट भी जाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से बाल झाड़ते फिर निकलते हैं। आज पता है ठंडी हद से ज्यादा बढ़ा हुआ, मतलब जो पुराना ठंडी कुछ 10 दिन पहले का था वो आज अचानक से आ गया। तो बस क्लास करने के बाद आज कॉफी पीने का प्लान बना है। पता है आज ना हम ना बैठ के ठंडा को मिस कर रहे थे, और देखो आज ठंडा आ गया। वो तो संजोग से क्या बताएं, एक वो टॉप बस सिंपल सा टॉप पहन के आए, क्योंकि हर दिन ना नॉर्मल रहता था और आज अचानक से ठंडा बढ़ गया है। तो चलो कोई ना, अभी कुछ दिन तक लगता है मुझे कि ऐसा ठंडा रहेगा, अभी अगर बारिश पड़ जाए तो और मज़ा आ जाए। नहीं क्या हुआ ना, अचानक से गर्मी बढ़ने लगा था तो मुझे लगा कि ठंडा चला गया, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और अभी क्लास से निकलने के बाद पता चला कि ठंडा बहुत ज़्यादा वापस से बढ़ गया। और क्या हुआ ना, केक तो रिटर्न हो गया, खैर जो लेके आई थी मैं। और सत्यम बच्चा का मूड कल पूरा ख़राब हो गया, बताओ। बच्चा के हाथ में केक था, वो तो बोल ही रहा था कि खा लेते हैं खा लेते हैं। अभी कॉल करके, पापा के नंबर से कॉल करके बोल रहे हैं केक रिटर्न करके आप दूसरा ले लिए, बोले केक तो नहीं लाएंगे लेकिन तुम्हारे लिए पेस्ट्री लेके आते हैं। अब केक काटेंगे अपने 50 के पे, क्योंकि अब मम्मी का बर्थडे चला गया, तो अब केक ऐसे ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे अंधेरे में पता नहीं मैं विजिबल हूँ कि नहीं, बट फिर भी देख लो आप लोग, जब लाइट स्टार्ट होता है तो क्या बताऊँ यार। चलो कोई ना, सत्यम के लिए पेस्ट्री पैक करवाएंगे उसके बाद चलेंगे घर।
तक भैया ने थोड़ा सा डिजाइन मांग लेते हैं। ये फाइनली हम लोग ले रहे हैं एक बटर स्कॉच और एक चॉकलेट, दो दो फ्लेवर। मानसी गुप्ता कहाँ गया? देखो यहाँ मम्मी झाल मुड़ी बना के रखी है, शायद पापा के लिए होगा क्योंकि ये चना चना बोलते चावल का भुंजा पापा को ही पसंद है। देखो केक का क्या हाल हुआ, केक का या तो केक का किस्मत खराब है या तो शायद इस जन्म में केक तुम नहीं खा सकता। खाओ, देखो टीवी को किस तरह से चलाना पड़ता है, पूरा ठोक ठाक मार पीट करके चलता है टीवी बेचारा। निकालो ना तो उसमें। अभी मैं बनाने वाली हूँ काढ़ा, तो उसके लिए ना तुलसी पत्ता सूखा हुआ है। वैसे तो सूखा हुआ तुलसी पत्ता का ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, बट फिर भी अभी रात में कहाँ से पत्ता तोड़ने के लिए ऊपर जाएंगे, तो मैं यही बना रही हूँ क्योंकि पूरा गला मेरा फंस रहा है। तो यहाँ मेरा अदरक कुटा गया है, मरीच थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा सा इलायची का छिलका। वैसे मुझे ब्लैक वाला इलायची बिल्कुल नहीं पसंद है, इलायची ब्लैक ही होता है कुछ भी मैं बोलती हूँ, मतलब उसका छिलका वाला फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। और उसमें ऐड करूंगी दालचीनी, साड़ी आज देख लो मम्मी, आज साड़ी देख के खुश हो रही है। यहाँ सत्यम का टेस्ट है कल, और टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हो गुड़िया दी को सुना रहे हैं। हाँ तो उधर भी होगा ना ब्लाउज का डिजाइन होगा ना वो।